and welcome to Edu Club for you. And today in this video, we try to discuss about the different Governor Generals of Bengal. In our previous video, we completely focus on how the British are gradually trying to capture different parts of India, how they try to indulge their own regulating system, how to rule the India, they focus on that. But in today's video, we try to find out what are the different methods that have been applied by the different governor generals so that the East India Company can rule India in a very nice and perfect way. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी गवर्नर जनरल बने, क्या उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव था, भारत में कैसे धीरे धीरे करके उन्होंने अपना ये जो राज था उसको सेटअप किया। तो इसमें सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा फिर से रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो कि कभी अपॉइंट नहीं हुए थे एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट बाय डिफॉल्ट वो हुए थे गवर्नर जनरल, जिनको लॉर्ड क्लाइव कहा जाता है। अगर अपॉइंटेड गवर्नर जनरल अगर देखा जाए बंगाल का, तो सबसे पहला इंसान था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बिफोर बीइंग द गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता और बंगाल, उससे पहले भी काफी साल पहले से ही वॉज एम्प्लॉय ऑफ ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंप्लॉय हुआ करते थे। फ्रॉम 1750 ही वॉज एक्ट एज एम्प्लॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटेड ही वॉज जस्ट ए क्लर्क। जब वो शुरू किया अपना करियर, तो सिर्फ वो एक क्लर्क के हिसाब से ज्वाइन किया। काफी साल लगा, करीब आप मान लीजिए कि 22-23 years उन्हें लगा टॉप पोस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो काफी सारे अलग अलग चेंजेस उन्हें करना पड़ा, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बहुत ही भयानक था उस समय। 1770 में बंगाल का कंडीशन इतना खराब था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा था ही नहीं, और उस समय बंगाल में फेमाइन आ गया था, लोगों के पास खाना नहीं था, लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाना काफी दिक्कत भरा काम था। उस समय वो आए थे, और आने के तुरंत बाद यानी 1773 में सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लॉर्ड क्लाइव एस्टैब्लिश किए थे यहां पे भारत में, वो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को उन्होंने हटा दिया, एंड इन प्लेस ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम उन्होंने लागू करवाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जब लगा, इसके अंडर में बहुत सारे चेंजेस उन्हें करना पड़ा, क्योंकि उस समय क्या होता था, सूबेदार्स आर बीइंग अपॉइंटेड इन एवरी विलेज टू कलेक्ट रेवेन्यूज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सारे सूबेदार को जो थे उनको हटा दिया गया, और इन प्लेस ऑफ सूबेदार कलेक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड ब्रिटिश पीपल इन द पोस्ट ऑफ कलेक्टर। तो उनका क्या काम था, भाई कलेक्टर का कलेक्ट करना काम होता है, तो उन्होंने सारे गांव में कलेक्शन ब्रिटिश लोगों के द्वारा करवाना शुरू कर दिया। ये एक पहला चीज था। दूसरा क्या था, ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशियंट मनी, उन्होंने क्या किया कि जो ट्रिब्यूट था, जो पैसा, जो कंपेंसेशन पैसा या पेंशन मान लीजिए, या कोई भी उनका अपना खर्चा मान लीजिए, जो भी दिया जाता था शाह आलम को 25 लाख रुपीस पर आना, उन्होंने तुरंत वो ट्रिब्यूट बंद कर दिया। He didn't pay single pie. अच्छा, थर्ड क्या था, पेंशन दिया जाता था, जितने नवाब हुआ करते थे
क्योंकि मैं पहले से बोल चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ सिर्फ उनके हाथों में हुआ करता था, सारा पैसा और आर्मी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करता था। तो उनको एज पेंशन दिया जाता था खर्चा करने के लिए। तो जो पेंशन था 32 लाख था पर एनम नवाब लोगों के लिए, दैट विल बी रिड्यूस टू 16 लाख ओनली। उन्होंने सारा पैसा घटा के सिर्फ 16 लाख कर, ये काफी बड़ा चेंजेस था। एक चेंजेस उन्होंने क्या ले आया कि मैं पहले से आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बंगाल का कैपिटल उस समय मुर्शिदाबाद हुआ करता था, तो ट्रेजरी कहां पे था? मुर्शिदाबाद। ही शिफ्टेड दैट ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता उन्होंने शिफ्टिंग कर दिया ट्रेजरी को। ये भी एक काफी इंपोर्टेंट काम उनसे। फिर यहां पे लॉ को, लॉ का जो सिस्टम था यानी जमींदार लोगों के पास लॉ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पावर्स दिए गए थे, तो उन जमींदारों से वो जो कंट्रोलिंग पावर था लॉ को छीन लिया गया। ठीक है, क्योंकि मैं पहले से बोल चुका हूं कि सूबेदार को हटा दिया गया था, तो उस समय सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए और वहां पे जजेस अपॉइंट किए गए, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करते थे उसमें इंडियन लोगों को भी एज ए जज अपॉइंट दिया जाता उनके टाइम। ठीक है, ये दोनों कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया गया। उस समय उसको कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट वन इज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। बाकी कोर्ट्स भी बनाए गए थे मद्रास और बॉम्बे में, बट यहां से सारा चीज कंट्रोल होता था उस समय। ठीक है, अच्छा तीसरा एक क्या चीज था कि उस समय जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हुआ करते थे बाय द थीव्स, बाय द डकैत्स, ये सब के ऊपर बैन लगा दिया गया, काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया उनके अगेंस्ट। ठीक है, और एक था कि सप्रेस कर दिया गया जितने भी उस समय जो सन्यासी हुआ करते थे, ये सन्यासी टाइप के जो रिवोल्ट उस समय उन्होंने किया था उनको भी सप्रेस किए थे। ठीक है, तो काफी सारे चेंजेस लाए थे वारेन हेस्टिंग्स अपने टाइम पे। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो एंड ऑफ द टाइम पे और 3 चेंजेस काफी बड़े बड़े हुए थे। एक तो था कि एस्टैब्लिश मद्रासा इन कलकत्ता, ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो उन्होंने वहां पे शुरू किया था। और मद्रासा को अगर छोड़ दिया जाए तो फाइनली एक पीट्स इंडिया एक्ट बना, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़े बहुत लूपहोल्स थे जिसके वजह से सारा चीजों को कंट्रोल करना इतना इजी था नहीं। ठीक है, तो उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे विलियम पिट, उन्होंने ये रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे बदलाव लाए। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट की जगह पे नया एक एक्ट आया जो कि यहां पे एस्टैब्लिश किया गया, जिसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट, और इसे एस्टैब्लिश किया गया 1784 में। ठीक है, विलियम पिट क्योंकि इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इसीलिए इस एक्ट को किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट काम वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था, और फाइनली कंपनी के काफी सारा पैसों के उसमें प्रॉब्लम्स आए, उनके नाम पे इंपीचमेंट भी हुआ था, उनको यहां से चेंजेस ले लिया गया। और 1785 में वारेन हेस्टिंग्स शिफ्टेड फ्रॉम दैट कलकत्ता टू इंग्लैंड गए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रोल दैट प्लेड बाय वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट जो आएंगे गवर्नर जनरल वो होंगे कॉर्नवालिस। 1784 में वारेन हेस्टिंग्स विद द हेल्प ऑफ सर विलियम जोन्स, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी भी यहां पे एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड था 1786 से 1793, ये उनका पीरियड था, और बाद में वो 1805 में भी आए थे, बट 1805 में ही वो चले गए। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड अगर उनका देखा जाए तो 1786 से 1793। यहां पे सिर्फ इतना हमें याद रखना है कि कॉर्नवालिस जो थे
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, जो रूल था, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए था, एक अच्छा सा गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, गवर्न करने के लिए लोगों को जो स्टेप चाहिए था, वो सभी के बारे में वो सोचे और उसी के अनुसार बहुत सारे नए नए चीजें उन्होंने अडॉप्ट। ठीक है, बैकग्राउंड अगर लिया जाए तो ही वाज बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली। उनके फादर के बहुत सारे घर हुआ करते थे और वो लैंडलॉर्ड थे वहां पे, तो बचपन से ही कलेक्शन का काफी ज्यादा आइडिया उनका हुआ करता और वो सारा आइडिया यहाँ पे भारत में उन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या वो करके गए हैं भारत में। तो सबसे पहला चीज था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कैसे आ गया भाई? उससे पहले परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद परमानेंट सेटलमेंट, पहले क्या था कि एक साल के लिए दिया जाता था, जमींदार लोगों को पावर दिया जाता था कि एक साल, हर साल वो इतना कलेक्शन करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, ऐसा सिस्टम था। बट यहाँ पे इसे बढ़ा के 10 साल के लिए कर दिया गया। ठीक है, द जमींदार हु अपॉइंटेड इन अ विलेज ही बी द ओनर ऑफ ऑल द लैंड ऑफ दैट एरिया फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। और एक पर्टिकुलर डेट फिक्स किया जाता था, उस डेट के अंदर अंदर जितना पैसा फिक्स हुआ है उतना पैसा लाके उसे डिपॉजिट करना है ईस्ट इंडिया ट्रेजरी। अगर वो नहीं दे पाता है तो उसका जो सारा जगह जो उसको मिला होगा उसको और किसी को दे दिया जाए। द जमींदार वॉज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ऐसा होता था वहां पे। जमींदार चाहेंगे तो और जगह पे खरीद सकते हैं जमीन या बेच सकते हैं जमीन, ये भी उनके हाथ में पावर हुआ करता था। शायद मुझसे वो सारा पावर छीन जाए, इसीलिए जमींदार लोग अपना पूरा ताकत लगा देते थे कलेक्शन करने। ठीक है, दूसरा क्या था कि एक इंपॉर्टेंट था कि उस समय जो लोग काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो ऑफिशियल ऑफिस में काम करते थे, उस समय ब्राइबरी, रिश्वतखोरी जिसको कहते, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, इसको रोकने के लिए उन्होंने सैलराइज्ड एम्प्लॉय जो थे उनका सैलरी को एनहांस किया। ठीक है, और रिक्रूटमेंट के समय पे उनसे ये इन रिटर्न उनसे लिया जाता था कि आप किसी भी इंडियन लोगों से गिफ्ट या पैसा आप नहीं लो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, बट सैलरी ओ एनहांस किए। और एक चीज क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। सिविल सर्विस का जो सिस्टम है वो सिस्टम उन्होंने शुरू किया। रिफॉर्म्स के बारे में अगर सोचेंगे तो एक बड़ा रिफॉर्म जो उनके टाइम पे हुआ था वो रिलेटेड टू द जुडिशियरी सिस्टम हुआ था। जुडिशियरी सिस्टम यानी उस समय ये रूल बनाया गया था कि 50 रुपीज या उससे नीचे का जो भी मामला है वो सब वही जमींदार लोग ही उसे सेटल करते थे। वैसे ही सिस्टम था उस समय, लोएस्ट कोर्ट जो बनता था, मुनीफ कोर्ट जिसको कहा जाता था, दे कैन हैंडल दोस थिंग्स बिलो 50 रुपीज। उसके ऊपर हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहा जाता था दीवानी अदालत। अब दीवानी अदालत में जो जज हुआ करते थे वो सिर्फ इंग्लिश मैन ही हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट जज जिसको कहा जाता है आज के डेट। एंड ही वाज कैपेबल टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग ऑल द इंडियंस, सारे भारत के जितने लोग हैं उनका जो भी केस आया होगा वो सारा डिसीजन लेने के लिए है, पावर है। बट यूरोपियंस के ऊपर डिसीजन वो नहीं ले पाए। ठीक है, और फिर उसके बाद बड़े कोर्ट्स हुआ करते थे। सबसे बड़ा कोर्ट अगर लिया जाए तो कलकत्ता का कोर्ट हुआ करता था, हाईएस्ट कोर्ट, और जहां पे आपका मिनिमम 5,000 रुपीज या उससे ज्यादा का अगर केस हो तो वहां पे वो सेटल होता। ठीक है, एक चीज अगर देखा जाए यहाँ पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि कॉर्नवालिस के टाइम पे जो कोर्ट का फी था वो कोर्ट फी को वो हटा दिए थे।
यानी अगर आपको कोर्ट में केस डालना है तो फॉर दैट यू डोंट नीड टू पे कोर्ट फी, ये एक काम हो। लड़ाई के बारे में अगर सोचेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल उस समय जो था वो था आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान, उस समय मैसूर में टीपू सुल्तान काफी पावरफुल किंग हुआ करते थे। इससे पहले दो लड़ाई हो चुका था, फर्स्ट मैसूर वॉर एंड सेकंड मैसूर वॉर। थर्ड मैसूर वॉर में फाइनली जब टीपू सुल्तान हारे तो उसके ऊपर एक ट्रीटी बनाया गया जिसको कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, और इस ट्रीटी के अंतर्गत टीपू सुल्तान को 3.3 crores उस समय 3.3 crores उनको एज कंपेंसेशन देना पड़ा, जिससे पूरा मैसूर का ट्रेजरी जो था खाली हो गया। बाद में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फोर्थ मैसूर वार में टीपू सुल्तान का देहांत हुआ, बट उनको कमजोर करने में कॉर्नवालिस का काफी बड़ा हाथ था। ठीक है, उसको छोड़ के कॉर्नवालिस ने एक संस्कृत कॉलेज वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज 1791 में उन्होंने शुरू किया, और डंकन को साथ में लेके, उनके नाम था जोनाथन डंकन, एक इंग्लिश पर्सन थे, और उनको साथ में लेके संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी 1791-92 में शुरू किया। उस समय और एक था कि पोलिस सिस्टम जो था, जैसे मैं अभी हम लोग डिस्कस किए कि ऑफिस के जो क्लर्क हुआ करते थे वो काफी ब्राइब्स ले लिया करते थे, रिश्वतखोरी चलता था काफी, इसी तरह पुलिस के क्षेत्र में भी वो होता, जो पुलिस वाले होते थे वो लोगों से बहुत सारा चीज डिमांड करते थे, जबरदस्ती छीन के ले जाते थे। तो पुलिस को यूरोपियनाइज्ड किया कर दिया, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होगा, आज के डेट में जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, इसी तरह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट उस समय उन्होंने शुरू किया। तो एक ब्रिटिश के एक पर्सन आएंगे, who was appointed as the head of that district police force, जिनको कहा जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके अंडर में सारा काम होगा। पुलिस लोगों को अच्छा से ट्रेनिंग दिया गया, यूनिफॉर्म दिया गया, और ये जो ब्राइबरी था वो चाहते थे कि कितना कम से कम हो या बंद ही हो जाए, इसके ऊपर उन्होंने काफी काम किया। तो फाइनली 1793 को कॉर्नवालिस वापस चले गए, और सेकेंड टाइम वो 1805 में आए थे भारत में, बट 1805 में भी बैक कर गए, उस समय उन्होंने कोई बड़ा काम किया ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्नवालिस। फिर बाद में सोचते हैं कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिन्होंने बहुत सारा काम किया उसके बारे में सोचेंगे। So, जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आए वो थे जॉन शोर इसके बाद, और जॉन शोर का टाइमिंग था 1793 से 1798, ये उनका 5 years का टेन्योर था। और जॉन शोर के टाइम पे चार्टर एक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है उनके टाइम पे, चार्टर एक्ट 1793 ये इम्प्लीमेंट किया गया था उनके समय पे, और एक एडॉप्ट किए थे पॉलिसी जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होंगे वो इंडिविजुअल किंगडम्स के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देंगे या इंटरफेयर नहीं करें, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि जो राजा थे उन्होंने अपना खुद का आर्मी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि गवर्नर जनरल तो हम जो काम करेंगे उसके ऊपर कोई इंटरफेयर करेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच के बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किए अपने आर्मी को डेवलप कर, और जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट था द बैटल ऑफ खारदा। बैटल ऑफ खारदा 1795 में ये बैटल हुआ था इन बिटवीन द निजाम एंड द मराठा, और निजाम उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल के अंडर में होते हुए भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, और जबरदस्त हार हुआ था निजाम का, दवा नवाब ऑफ निजाम का जबरदस्त हार हुआ था और मराठे वाले जीते। तो ये जो पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ये काफी भारी पड़ा था ब्रिटिश गवर्नर जनरल को या ईस्ट इंडिया कंपनी को।
1798 के बाद, फिर उसके बाद नेक्स्ट चले आए लॉर्ड वेलसली। लॉर्ड वेलसली का टाइम हुआ 1798 से 1805, ये उनका टाइम पीरियड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाएगा, एक पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की, वो पॉलिसी था सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी या सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि राजाओं के पास सिर्फ दो ही चीजें हुआ करता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो अब बाद में नॉन इंटरवेंशन के बाद राजाओं ने जो आर्मी रखना शुरू किया, ठीक है, आर्मी रखने शुरू करने के बाद ये रिजल्ट क्या हुआ, बैटल ऑफ खारदा हुआ। तो बैटल ऑफ खारदा को अवॉइड करने के लिए, दूसरा कोई भी बैटल को अवॉइड करने के लिए ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लागू किया गया। इसके अंडर में क्या हुआ कि द किंग्स आर नॉट अलाउड टू रिस्टोर देयर ओन आर्मी, अपना आर्मी किंग नहीं रख सकता। क्या होगा कि एक सब्सिडाइज्ड आर्मी ब्रिटिश लोग रखे, दे शुड ट्रेन द आर्मी, और उस आर्मी के जो लोग होंगे ये राजाओं को प्रोटेक्ट करें, बट फ्री में नहीं। फॉर दैट राजाओं को पैसा देना पड़ेगा, एनुअली सब्सक्रिप्शन देना, ठीक है। यानी राजाओं के पास आर्मी नहीं रहेगा, टोटली रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और उसमें जो खर्चा आएगा उसको राजा पे करे। अगर कोई किंग पैसा नहीं दे पाया, उसके पास तो आर्मी था ही, होगा ही, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके सारा एरिया को कैप्चर कर लेगी। बहुत ही अच्छा पॉलिसी था ये उनके लिए। तो इसका खामियाजा, ये जो पॉलिसी था इसके वजह से जो राजा नहीं दे पाए, मैं यहां पे एग्जांपल आपको देता हूं, नवाब ऑफ अवध जो कि पैसा नहीं दे पाए थे 1801 में, उनका सारा जो था किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला गया। या फिर नवाब ऑफ हैदराबाद, वो भी पैसा नहीं दे पाए थे तो उनका भी सारा एरिया ब्रिटिश के डायरेक्टली रूल के अंडर चला गया। तो ये सब पॉलिसी उन्होंने बनाए, ठीक है। बट वेलसली के टाइम पे काफी इंपोर्टेंट एक फैक्टर है जो कि है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसमें टीपू सुल्तान का देहांत हुआ था, और उसके बाद मैसूर जो काफी बड़ा एक किंगडम कहलाता था या पावरफुल किंगडम कहलाता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, ठीक है। उन्होंने एक नया चीज भी शुरू किया था उस समय, वो था सेंसरशिप एक्ट। सेंसरशिप एक्ट क्या होता था कि फ्रेंच के लोग पेपर, न्यूज़पेपर इशू किया करते थे जिसमें उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ बहुत सारे चीज लिखा करते थे। तो ये काफी बाद में शायद कुछ अलग सा सिचुएशन बन जाए, या लोगों के मन में ब्रिटिश के प्रति जो है राइवलिटी वो शायद बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने एक प्रेस एक्ट बनवाए थे, जस्ट लाइक ए प्रेस एक्ट, सेंसरशिप एक्ट रिलेटेड टू न्यूज़पेपर। और ये 1799 में लॉर्ड वेलसली ने शुरू किया, ठीक है। बट इसको छोड़ के लॉर्ड वेलसली कलकत्ता में एक बनाए थे फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो था, इसमें आपका संस्कृत, एरोबिक, पर्शियन और हिंदी, बंगाली, उर्दू, ये सारे लैंग्वेज के जो बहुत अच्छे बुक हुआ करते थे, ठीक है, ये सारे बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता था। ये काफी बड़ा काम उस समय इनके द्वारा हुआ है। और फाइनली 1805 में वो चले गए। उनके बाद अगर आए तो थे लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग का पीरियड हुआ करता था 1813 से 1823, 10 साल के लिए रहे हो भारत में। और सबसे पहला चीज वो क्या किए थे कि नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो बनाए थे जॉन सोर, उसको बैन कर दिया, क्योंकि उस पॉलिसी के अंतर्गत राजा क्या करेंगे, ब्रिटिश लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिससे बहुत सारा दिक्कत क्रिएट हुआ। तो उन्होंने पहला चीज क्या बनाया कि नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो था उसको बैन कर दिया, दैट पॉलिसी कम्स टू एन एंड, खत्म। दूसरा था कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ उनके टाइम पे, 1817 से लेके 1819 तक ये मराठा वॉर हुआ था। और सेंसरशिप एक्ट, जो सेंसरशिप एक्ट था
वो सेंसरशिप एक्ट उन्होंने हटा लिया, ठीक है, सेंसरशिप एक्ट जो प्रेस एक्ट जो लगाए थे लॉर्ड वेलेस्ली उसको उन्होंने हटा दिया। एक उस समय एक नया चीज बना था रोतवारी सिस्टम, ठीक है, रोतवारी सिस्टम एक बना था जिसमें एक पर्टिकुलर लोगों को एडवांटेज मिलता था शासन करने के लिए, रोतवारी यानी जगह को उन्होंने वो सिस्टम लागू किया, यानी वहां के जो लोग होंगे वो सारा कलेक्शन करके इनको पे करेंगे, ये सिस्टम उन्होंने बनाया। बट उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम उनसे ये दो तीन पॉलिसी छोड़ के कुछ नहीं हो पाया था। नेक्स्ट काफी इम्पोर्टेंट एक गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था विलियम बेंटिक। बट विलियम बेंटिक का अगर पूरा नाम लिया जाए तो नाम था विलियम हेनरी कैवेंडिश बेंटिक, ठीक है। अब ही बिलोंग्स टू अ वेरी लाइटेड फैमिली, काफी अच्छे खानदान के थे वो। उनके फादर जो थे विलियम बेंटिक, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर के लड़के थे वो। और बहुत अर्ली एज में एट द एज ऑफ 29 ही मूव फॉरवर्ड टू इंडिया, भारत में आके स्टार्टिंग में एज ए क्लर्क को काम किए हैं, उसके बाद ब्रिटिश आर्मी में भी वो थे, कुछ दिन काम किए हैं। फाइनली 1803 में उनको गवर्नर ऑफ मद्रास करके अपॉइंट किया गया और इस पोस्ट में वो चार साल रहे 1803 से 1807 तक, ठीक है। और अगर बाकी जनरल जो थे उनके साथ इनको कंपेयर अगर किया जाए तो काफी काइंड हार्टेड थे वो, भारत में आके बहुत नए नए रिफॉर्म्स वो लाए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को काफी दुस्त दुरुस्त किए हैं एकदम। और नए चेंजेस में सबसे बड़ा चेंजेस अगर मैं कुछ सोचूं तो सबसे बड़ा चेंजेस था एबोलिशन ऑफ सती। जब वो आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होके 1828 में, उनका टेन्योर था 1828 से 1835, ठीक है, ये उनका टाइम पीरियड था when he was the governor general of Bengal, ठीक है। तो इस समय इसी टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिए थे, सबसे बड़ा स्टेप था एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, ठीक है, कई सौ साल से पहले सती प्रथा भारत में ये चल रहा था। और अगर इसे देखा जाए तो सबसे पहले सती प्रथा को बैन किया गया था गोवा में, ठीक है, सबसे पहले गोवा में पुर्तगीज के लोग इसे बैन किए थे, बाद में फ्रेंच के लोगों ने भी इसे बैन किया था चिंसुरा में या फिर पंडिचेरी में ये बैन हुआ था। बट उसका इफेक्ट जो था वो पूरे भारतवर्ष में नहीं था, क्योंकि उनका राज पूरे भारतवर्ष में था ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई इन्फ्लुएंस डाल पाता था तो वो थे ईस्ट इंडिया कंपनीज के लोग। और देखा जाए तो 1817-18 के बीच में रिकॉर्ड्स ये बताता है कि मोर देन 700 से ज्यादा महिलाओं को ये सती प्रथा के थ्रू में मार दिया गया, ठीक है। सो ही मींस विलियम बेंटिक इज आल्सो हैविंग द टेंडेंसी दैट दिस सती प्रथा इज जस्ट ए क्राइम, इट्स नॉट ए ट्रेडिशन। तो राजा राममोहन रॉय के साथ वो मिलके ये सती प्रथा को 1829 में इसे एक एक्ट लाए भारत, इसे टोटली भारत में बैन कर दिया जाए। ये काफी बड़ा स्टेप हुआ था उस समय, काफी ऑब्जेक्शन भी हुए थे, उनके नाम पे केस भी चला था इसके लिए। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप अगर लिया जाए तो वो है क्या कि राजा राममोहन रॉय के साथ मिलके दूसरा बड़ा स्टेप वो था इंग्लिश स्कूल, यानी पढ़ाई थ्रू इंग्लिश मीडियम, क्योंकि राजा राममोहन रॉय काफी खुद ही टैलेंटेड थे। और सती प्रथा का एग्जाम्पल लिया जाए तो उनके जो सिस्टर इन लॉ थे उनका भी यह सती प्रथा में देहांत हुआ, यानी मार दिया गया था सिंपल, ठीक है। राजा राममोहन रॉय चाहते थे कि भारतीय लोग जो काफी ज्यादा अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ के ऊपर भरोसा करते हैं, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, ये सबके पीछे रीजन क्या है कि लैक ऑफ द नॉलेज इन साइंस,
लोगों को विज्ञान के बारे में पता ही नहीं, इसीलिए लोग ये अंधविश्वास पे यकीन करते। तो वो चाहते थे कि भारत में इंग्लिश स्कूल शुरू हो जाए। और उसी समय विलियम बेंटिक का ये सोच था कि अगर भारतीय लोगों को इंग्लिश पढ़ा दिया जाए तो जितने ऑफिस में काम होते हैं, ब्रिटिश ऑफिस में जितने काम होते हैं, वो सारा काम करने के लिए उन्हें मंगाना पड़ता था बाहर से, ब्रिटिश के लोगों को, जिनको हाई सैलरी भी देना पड़ता था। अब यही अगर भारतीय लोग सीख जाए, थोड़ा बहुत इंग्लिश उनको अगर पता हो, तो ये सारा काम उनसे लिया जा सकता है एट ए वेरी लो कॉस्ट। तो इसी के वजह से भारत में सबसे पहला इंग्लिश एजुकेशन, फिर वही राजा रामन रॉय और सर विलियम बेंटिक, ये दोनों के मेहनत से, ये दोनों के लगन से शुरू हो पाया। बट यहां पे और एक इंसान है जो काफी अहमियत रखता है ये इंग्लिश एजुकेशन को, वो थे मैकुले। तो ये इंग्लिश एजुकेशन का जो प्रपोजल था, दिस प्रपोजल वॉज गिवेन बाय थॉमस मैकुले, और ये प्रपोजल आने के बाद दिस वन ग्रांटेड बाय विलियम बेंटिक। और इसी के वजह से भारत में कलकत्ता में पहला इंग्लिश स्कूल एस्टैब्लिश किया गया भारत। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी, यानी जुडिशियल क्षेत्र में वो काफी रिफॉर्म्स लाए हैं। ये प्रोविंशियल कोर्ट जो था, या फिर शार्किट कोर्ट जो था, ये सब कोर्ट को हटा दिया गया 1829, ठीक है। और अप टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इंडियन लोगों को एज जज भी वो अपॉइंट किए थे, ठीक है। यानी 300 रुपीज और उससे लेस जो भी केसेस आएंगे, वो सारे केसेस को भारतीय जज हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस टाइम पे हम लोग सोचे थे कि 50 रुपीज से लेस उनका था टारगेट, अब ये 300 लेस का हो गया, ठीक है। और जिला कोर्ट एस्टैब्लिश किए, और आपका सिटी कोर्ट एस्टैब्लिश किए 1831 में, और ये सब रिफॉर्म्स जुडिशियरी क्षेत्र में लाए थे, और सैलरी भी एनहांस किए थे। वो भी कोशिश कर रहे थे कि कितना कम से कम जो लोग थे उस समय, जो पुलिस डिपार्टमेंट था या जुडिशियरी डिपार्टमेंट था वो काफी करप्टेड था, उसको कितना कम से कम हो पाए। इससे छोड़ के अगर देखी जाए तो एक क्रूग वार उनका समय का एक ही वार था, ये आपको याद रखना है। क्रूग वार 1834 में ये बनारस के जो थे राजा थे उनके साथ ये क्रूग वार हुआ था, और बनारस अटैच हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ये सारे रिफॉर्म्स थे सर विलियम बेंटिक के, जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, जो कि आज तक मेरे हिसाब से इंडिया के जो रिफॉर्म्स हैं उसके नायक उनको कहा जाएगा, वो थे लॉर्ड डलहौसी। सो बात करते हैं लॉर्ड डलहौसी के बारे में। और लॉर्ड डलहौसी का एक्चुअली ओरिजिनल नाम लॉर्ड डलहौसी नहीं था, ठीक है। तो ओरिजिनल नाम था जेम्स एंड्रयू रामसे, ठीक है। उनका नाम था जेम्स एंड्रयू रामसे, और वो स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। और कंपैरेटिवली अगर उनका लाइफ हिस्ट्री देखा जाए तो ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, काफी टैलेंटेड हुआ करते थे, ऑक्सफोर्ड में भी वो पढ़े थे उस समय। और एट द एज ऑफ 25 ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो मेंबर बने थे, ठीक है। सिर्फ 25 उनका उम्र था उस समय। और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो फाइनल यहाँ पे पहुंचे कि 1848 को ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उनका जो एम था यहाँ पे भारत में, एम था ईस्ट इंडिया कंपनी, या उस समय ब्रिटिश इंडिया के वो गवर्नर जनरल थे, पूरे चारों तरफ भारत में फैलाने के लिए, एक्सपांशन उनका है। और इसी एम के चलते उन्होंने इंप्लीमेंट किया ऐसा रूल जिससे बहुत सारे एरिया ऑटोमेटिकली उनके कब्जे में आ गया। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनसे पहले था, वो तो आए थे 48 में, 44 में
ब्रिटिश के जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे उस समय, दे इंप्लीमेंटेड दिस रूल, बट इंप्लीमेंटेशन जो था काफी स्लो था। बट डलहौसी उस रूल को, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भारत में जबरदस्त इंप्लीमेंट करवाए, और जिसके वजह से बहुत सारा एरिया ऑटोमेटिकली उनके अंडर में आ गया। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि जिनका अपना लड़का नहीं होगा, ठीक है, आइदर नेफ्यू या और किसी को, वो एडॉप्ट करके राजा नहीं बना सकते, ऑटोमेटिकली उनका किंगडम अंडर द ब्रिटिश रूल आ जाएगा। और इसी के इंपैक्ट में आपका 1848 में बहुत सारे जगह, यानी एक एक करके अगर हम लोग समझेंगे तो 1848 में सतारा चलाया इनके पास, या फिर 49 में संबलपुर, या फिर 53 में झांसी, या फिर आपका 54 में नागपुर, ऐसे करके बहुत सारे एरियाज ऑटोमेटिकली ब्रिटिश रूल के अंडर में। तो ये जो कंडीशन था, ये धीरे धीरे पावर तो बढ़ता गया इनका, इसके आगे और क्या किए कि नए नए सिस्टम बनाए, रेवेन्यू सिस्टम बनाए, जैसे कि जो नवाब हुआ करते थे, यानी जिनका एरिया ब्रिटिश रूल के अंडर में आता था, उनको पेंशन दिया जाता था चलाने के लिए, तो पेंशन भी रुकवा दिए थे वो, कर्नाटिक जो एरिया था, कर्नाटिक के जो नवाब थे उनका पेंशन रुका दिया गया था, और बहुत लोगों का पेंशन घटा दिया गया था, या द किंग ऑफ तंजौर जो थे, तंजौर के जो राजा थे, उनका भी पेंशन बंद कर दिया गया था। तो ये सारे अलग अलग रेवेन्यू के नए नए प्रस्ताव भी लाए थे ताकि ब्रिटिश और ज्यादा फैल पाए और ज्यादा पैसा यहां से ले पाए, ठीक है। इसको छोड़ के सबसे डेंजरियस रूल एक बनाए थे कि जहां जहां पे कैश क्रॉप्स बनेंगे, खास करके कॉटन, जो महाराष्ट्र के जो विदर्भ एरिया है, यानी उस समय जिसे बेरार कहा जाता था, उस एरिया में जो निजाम थे उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया ताकि वो ना दे पाए। फिर वो टैक्स अगर नहीं दे पाएंगे तो जबरदस्ती ब्रिटिश एरिया को उनके हाथों में ले जाएंगे, और फिर वहां पे किसानों से ये इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स वो अपने हिसाब से, यानी रॉ कॉटन बनाएंगे जो कि एक्सपोर्ट हो जाएगा इंग्लैंड को, और वहां पे कपड़ा बन के काफी प्रॉफिट हो। तो ये जो अजीब अजीब रूल्स उन्होंने बनाए थे ताकि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में फैले और मजबूत हो जाए। बट भारत में भी काफी सारे नए नए एक्सपेरिमेंट वो किए, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें आज के डेट पे काफी एडवांटेज दे रहा है, बट उस समय हमारे लिए नहीं था, वो उनके लिए था। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं सोचूं तो रेलवे को एस्टैब्लिश करवाए, या फिर टेलीग्राफ एस्टैब्लिश करवाए, या फिर पोस्टल सिस्टम, एक एक करके बात करते हैं। रेलवे 1853 में पहली बार रेलवे लाइन एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया, रेल चला मुंबई टू थाने, ठीक है। और इसके बाद आप मान लीजिए कि टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ 1854 में बना, धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ता गया, 800 माइल का था, ठीक है। आगे वो लाहौर और उसके आगे जो एरिया था पेशावर, वो उस तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोस्टल सिस्टम वो बनाए थ्रू आउट इंडिया, जो भी इंपोर्टेंट एरियाज हुआ करता था, जहां पे ब्रिटिश के इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे, उनके बीच में पोस्टल सिस्टम भी वो बनाए 1854 में। और इसको छोड़ के पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके ऊपर भी काफी ध्यान दिए थे। पीडब्ल्यूडी के अंतर में क्या आता है, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, कैनल्स बनाना, ठीक है। ये सारा काम भी धीरे धीरे शुरू हुआ। अब उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड जो पहले का था, उसको भी काफी रिपेयर किया गया, उसको और वाइड किया गया इनके टाइम पे, वो काम भी हुआ था, ब्रिज का काम भी किया गया था, ठीक है। अब सोशल रिफॉर्म्स अगर लिया जाए
तो एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ था स्पेशली उड़ीसा में। उड़ीसा में एक था कि ह्यूमन सैक्रिफाइस, यानी इंसानों को बलि चढ़ा जाए, जिससे क्या होगा कि हार्वेस्टिंग ज्यादा होगा। ऐसे लोगों के अंदर में एक ब्लाइंड फेथ था। अब इसको कंप्लीटली बैन किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। ह्यूमन सैक्रिफाइस इज कंप्लीटली बैन्ड बाय लॉर्ड डलहौसी, और ये काफी इंपैक्ट, उस समय काफी इंपैक्ट था ये, खास करके ट्राइबल एरिया में, वहां पे ये सैक्रिफाइस का काम चलता था, जिसको उन्होंने बैन करवाया। अब और एक सोशल रिफॉर्म आएगा जिसका काफी ज्यादा इंपैक्ट भारत में आया है, वो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंडर में जैसे विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया, तो इन्होंने धीरे 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 एजुकेशन को फैलाना शुरू। वो चाहते थे कि भारत के बहुत सारे लोग इंग्लिश सीख जाए, ताकि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और ये इंटर रिलेशन इन बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश ये काफी कंफर्टेबली हो पाए। तो इसी के वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन स्टोन रखे कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, और बाद में उनके बाद जब आए लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने उसको शुरू करवाया, यानी वहां पे, बट फाउंडेशन स्टोन लेड बाय लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। फाइनली जब वो शुरू हुआ यूनिवर्सिटी, तो इनका टाइम था नहीं, वो चले गए थे, तो नेक्स्ट लॉर्ड जो आए लॉर्ड कैनिंग, वो शुरू करवाया। दो इंपोर्टेंट वार के बारे में आपको जानकारी लेना काफी जरूरी है। वो इंपोर्टेंट दो वार क्या है कि एक सेकेंड एंग्लो सिख वार, जो कि 1848 से 1849 बना था, और पंजाब के जो राजा थे वो हार गए थे, तो टोटल पंजाब ब्रिटिश रूल के अंडर में आ चुका। और दूसरा एक था सेकेंड एंग्लो बर्मा वार, ये 1852 से 53 के बीच में ये हुआ था, और बर्मा ये सेकेंड जो था, बर्मा टोटल इनके अंडर में आ गया। ये जो कमर्शियल एरिया में भी उनका रिफॉर्म्स अच्छा था, यानी जहां पे भी पोर्ट्स हुआ करते थे, जहां से लोड होके शिप जाएंगे यूरोप के लिए, वो पोर्ट्स में यहाँ पे रेवेन्यू को छोड़ दिया गया, यानी ब्रिटिश के लोग कंफर्टेबली वहां पे जैसे ट्रेड कर पाए, और जिसके वजह से जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाए, और भारतीय मर्चेंट्स लोगों का पूरा दिवाला निकल गया, और पूरा टोटल राज ब्रिटिश मर्चेंट लोगों का हुआ, ठीक है। इंडियन ट्रेड वहां पे बर्बाद हो गया था, ठीक है। तो बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स लाए थे। हम लोग को इतना याद रखना पड़ेगा कि जो ये रेलवे सिस्टम बनाए, या पोस्टल सिस्टम बनाए, या टेलीग्राफ सिस्टम बनाए, जिसे हमें याद रखना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमें याद रखना, ठीक है। और इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए, जिनका पीरियड था 1856 से 1857, और उनके दौर में, लॉर्ड कैनिंग के दौर में यूनिवर्सिटी ये जो फाउंडेशन स्टोन रखे थे, दैट वन इज स्टार्टेड इन कलकत्ता एंड बॉम्बे एंड मद्रास। और एक बहुत बड़ा ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बना था, जिससे बहुत सारे लोग अपना किंगडम लूज कर गए, या जिनका पेंशन बंद कर दिया गया, या ये जो लोगों को टर्चर किया गया, इसके इंपैक्ट से, इसके ऊपर हम लोग डिटेल बात करेंगे, इसके इंपैक्ट से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ। दिस आर द ओनली टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर लॉर्ड कैनिंग, जिनका पीरियड था 56 से 57, ठीक है। यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कहानी खत्म होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग सिपाही म्यूटिनी या द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे, और आगे जो आएंगे वाइसरॉयज आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सारा इंपॉर्टेंट नोट्स आपको याद रखना है। अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।